तीन देखिए ना, तीन नंबर इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा में रूट अंडर टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस वन डीएक्स। यहाँ देखो, अगर मैं देखूं तो वन बटा में रूट अंडर टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर और वन को वन का स्क्वायर कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ, आपको पता है, डीएक्स बटा में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, अभी देखे थे ना, अभी देखे थे। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने देखा था, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर आपका वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यही ना हमने देखे थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे बना देते हैं। देखो, अगर मैं इसको पुट करूं टी, तो इसका डिफरेंशिएशन वन आएगा, टू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तो चाहो तो आप सिंपली बाहर माइनस दे दो और लॉग इसका फॉर्मूला लगा दो, इसके अकॉर्डिंग रख के एक्स की जगह आ जाएगा टू माइनस एक्स प्लस में रूट अंडर टू माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का वन का स्क्वायर प्लस। आगे सॉल्व करते हैं, माइनस का लॉग क्या हो जाएगा, टू माइनस एक्स प्लस रूट अंडर, इसको अगर मैं सॉल्व करूं यहां पर तो क्या हो जाएगा, आपका आ जाएगा यहां से एक्स स्क्वायर माइनस का चार एक्स आएगा और यहां प्लस का चार आएगा और एक है तो प्लस का पांच हो जाएगा और प्लस में सी, ये माइनस पावर में ऊपर चढ़ा देते हैं तो ऊपर जाएगा, तो लॉग क्या हो जाएगा, टू माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस का फाइव, ब्रैकेट बंद करके पावर में माइनस वन प्लस सी। तो ये बटा में चला आएगा ना, यानी लॉग क्या हो जाएगा, वन बटा में टू माइनस एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस का फोर एक्स प्लस फाइव और प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। या आप क्या करते हैं, यहाँ पे टी पुट करते, उसे भी मैं बता देता हूँ। पुट करते हम लोग टू माइनस एक्स की जगह पे टी, डिफरेंशिएट करते विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो माइनस का वन बराबर आता डी टी बटा में डी एक्स, तो डी एक्स बराबर में क्या होता, माइनस का डी टी। तो डी एक्स की जगह मैं माइनस का डी टी रख दूंगा और बाकी सब वैसे ही आएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा में नीचे रूट अंडर हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर और यहाँ माइनस का डी टी, ये माइनस बाहर निकल जाएगा और फिर आप इंटीग्रेशन कर दोगे, लॉग क्या हो जाएगा, टी प्लस रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर प्लस सी। अब वापस से टी का वैल्यू मैं टू माइनस एक्स रख दूंगा तो फिर आपका यही आ जाएगा, ये आ जाएगा पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद सॉल्व करके हिला देंगे। तो जो आपको तरीका आसान लगे उसे आप बनाइए, इसके लिए कोई प्रतिबंध आपको नहीं लगाने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।